हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा आप सबका स्वागत करती हूँ 5 पैसा लर्निंग सेशन में। हर हफ्ते हम आपके लिए स्टॉक मार्केट के लर्निंग कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं, तो चलिए देखते हैं आज स्टॉक मार्केट में कौन सा नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी कमेंट सेक्शन पर कौन सी नई चीज स्टॉक मार्केट को लेकर सीखना चाहते हो जरूर बताइएगा। IPO क्या है? हम सबको शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ न कुछ पता है। आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। कोई भी इन्वेस्टर प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता है। प्राइमरी मार्केट से इन्वेस्टर किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है जिन्हें IPO के माध्यम से पहली बार इशू किया गया है। किसी भी कंपनी को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, वो IPO का रास्ता अपनाते हैं। एक इन्वेस्टर के रूप में उस कंपनी के शेयर्स खरीदने पर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। कंपनी को अफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स की वजह से आपके शेयर के प्राइस में उतार चढ़ाव होता है। अगर आप अगले 10 या 15 साल में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो आप किसी अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप एक निर्धारित समय सीमा में अपना घर खरीदने का गोल अचीव कर सकते हैं। आइए IPO से जुड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स जानें। ऑफर डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ऑब्जेक्टिव्स एटसेट्रा। बुक बिल्ट इशू, ये इन्वेस्टर्स की डिमांड के आधार पर इशू का प्राइस पता लगाने का एफिशिएंट तरीका है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इस टर्म का यूज बुक बिल्ट इशू के केस में ऑफर डॉक्यूमेंट को रेफर करने के लिए किया जाता है। शेयर्स के प्राइस और नंबर को छोड़कर इस डॉक्यूमेंट में सारे डिटेल्स दिए जाते हैं। लेटर ऑफ ऑफर, शेयर्स के राइट्स इशू के ऑफर डॉक्यूमेंट को लेटर ऑफ ऑफर कहते हैं। फिक्स्ड प्राइस इशू, इस मेथड में इश्यूअर इशू प्राइस डिसाइड करता है और इसे ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाता है। प्राइस बैंड, जिस प्राइस रेंज के अंदर इन्वेस्टर्स IPO में बिड कर सकते हैं उसे प्राइस बैंड कहा जाता है। फ्लोर प्राइस, वो मिनिमम प्राइस जिस पर इन्वेस्टर बिड कर सकता है, और कैप प्राइस, वो मैक्सिमम प्राइस जिस पर इन्वेस्टर बिड कर सकता है। इसके बीच का अंतर 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कट ऑफ प्राइस, इन्वेस्टर्स को जिस प्राइस पर शेयर्स ऑफर किए जाएंगे उसे कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। हम अपने अगले लर्निंग वीडियो में कुछ नया कंसेप्ट लेके आएंगे। शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे 5 पैसे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस पाना ना भूलें। हम अपने अगले लर्निंग वीडियो में आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।